अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज कुछ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि चेक करते हैं कल जो पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, बच्चे वगैरह निकले थे अंडों में से चिक्स, तो उन्हें देखते हैं कि मतलब ठीक है, वो हेल्दी हैं या उन्हें कोई मसला वगैरह तो नहीं हो गया। तो चेक करने के लिए मैं ऊपर आया हूँ छत पे, तो दाना वगैरह तो मैंने डाल दिया हुआ है इन्हें। ये देखें, ये एक फीडिंग करवा रहा है अपने बच्चे को। ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया बच्चा, लेकिन फिर अभी तक जो है ना, ये फीडिंग करवा रहा है बच्चे को। चलिए, अच्छी बात है, और ज़्यादा ये हेल्दी होगा बच्चा। तो जितनी देर ये फीडिंग ज़्यादा करवाते रहते हैं ना, जितना अर्सा ज़्यादा करवाते हैं उतना ज़्यादा जो है ना बच्चे अच्छे जो है ना बोलते हैं, उनकी जो है हड्डी वगैरह और सारा कुछ जो है ना मजबूत होता है। ये देखिए, ये मेल खड़ा है नीचे, जो उस दिन पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने एक नया पेड़ लगाया था उसका ये मेल खड़ा है। फीमेल भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अब आते हैं, ये देखें, ये आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने ये सब किया हुआ है। ये वो बॉक्स है उसका, तो पिछले की वीडियो में आपको दिखाया था, इसकी वजह से लड़ाई हो रही थी दोनों के कबूतरों में। देखते हैं जो चिक्स निकले थे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, तो देखते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी हैं, ठीक है बच्चे माशाल्लाह से। और एक और जगह यहाँ पर भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, ये भी हेल्दी हैं माशाल्लाह से, अच्छे हैं, फिटिंग वगैरह अच्छी ले रहे हैं। ये देखें गाइस, ये आपको शायद कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये एक नया चिक्स निकला है। ये मैंने ना यहाँ पर छापर वगैरह लगाए हुए हैं, कुछ आज मौसम में बहुत ना मेरा बादल वगैरह आए हुए हैं, अंधेरा हुआ है अंदर का पिंजरे में, कुछ मैंने ये शॉपर वगैरह लगाए हुए हैं, ज़्यादा ठंड है। तो ये देखिए भाई वाले केज में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें भाई, ये भाई वाला केज है मेरा, ठंड वगैरह काफ़ी है इसलिए मैंने ऊपर भी ये देखी है, तरपाल वगैरह लगाई हुई है, यहाँ पर भी मैंने छापर लगाया हुआ है सामने, ताकि हवा वगैरह की क्रॉसिंग ना हो, जितनी हवा की क्रॉसिंग होती है उतनी ज़्यादा जो है ना ठंड बनती है अंदर केज में। और मैंने उस बारे में फिर भी थोड़ा हवा वगैरह है, बार बार केज में अंदर तो मैं जो है ना बिल्कुल बंद किया हुआ है। इधर से भी मैंने खिड़की पर भी छापा लगाया हुआ है, बाहर मैंने दरवाजा वहाँ पर भी छापा लगाया हुआ है। और ये देखें, ये बच्चा मैं पका रहा हूँ, तकरीबन है दो हफ्तों का होगा, तीन हफ्तों का, इसको ये मच्छर काटने की वजह से मैंने इसको ये पॉक्स वगैरह निकलाए थे, तो मैंने दवाई वगैरह लगाई है ऊपर, लेकिन वो लगता है कि ना काफ़ी है और लगानी पड़ेगी, तो इसको भी दवाई वगैरह लगाते हैं। ये देखिए, इसको ये पर पे भी निकले हुए हैं, ये काफ़ी जो है ना मसला है इसको ना, जब ये मच्छर वगैरह का सीज़न आता है तो काफ़ी मच्छर भी काटता है, इस तरह से ये पॉक्स वगैरह बन जाते हैं, काफ़ी मसला होता है। अगर दवाई वगैरह से इनको लगाते हैं और तो ये सेट रहते हैं। और देखिए, फीमेल है एक, और बच्चों को फीडिंग करवा रही है, दो बच्चे हैं इसके नीचे भी माशाल्लाह से, बच्चे वगैरह निकले हुए हैं काफ़ी, कुछ निकले हैं, कुछ अंडे पर बैठे हुए हैं अभी, सब जो है ना पेयर मेरे तकरीबन बिजी हैं। और ये देखें, ये एक डब्बा वाला पेयर है, ये भी इसके भी बच्चे वगैरह निकले हुए हैं, न्यू है इसके भी, दो तीन दिन हुए हैं इसके फीडिंग करवा रहा है, ये भी मेल है, ये काफ़ी जो है ना माशाल्लाह से। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पेयर बैठा हुआ है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे इसको, अगर आप जानना चाहते हैं कि मतलब कबूतर को कैसे पेयर अप करते हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो में वो देख लीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर मेरे शॉपर वगैरह लगाया हुआ है, काफ़ी ठंडा है भाई, बादल वगैरह आए हुए हैं, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है हल्की हल्की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।